हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में फिर से मैं इस सर के साथ आया हूँ। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे कि एसएपी करने के बाद वो क्या क्या करियर प्रोफाइल को चूज कर सकते हैं, एंड इसके अलावा कोर्स कंप्लीट होगा तो क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत सारे टाइप्स के डाउट्स थे हमारी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो सारी चीज इरशाद सर इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले ये बताएंगे इरशाद सर कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या है अगर आप एसएपी का कोर्स करते हो। सो हाय इरशाद सर, कैसे हो आप? Hi Rohan, I'm good. What about you? Yeah, I'm great and बहुत 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 अच्छा चल रहा है Accenture में। आज भी मैंने कुछ टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन किया है तो अच्छा लग रहा है काम करते हुए। That's great. ये चीज तो रोहन आपने देखा होगा कि SAP में कभी बोरिंग नहीं है। नहीं, बहुत चैलेंजिंग है। कुछ ना कुछ हमेशा नया। Yes. कुछ ना कुछ हमेशा नया होता रहता है और That's why I'm also loving of this kind of fields. ठीक है, और इसलिए मेरे को SAP का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा लगता है, कभी बोरिंग नहीं होगा यार। Yeah, definitely, ये तो है। मैं तो ठीक हूँ, मैं तो वेल इन्वेस्ट, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? बस सब अच्छा चल रहा है आपकी दुआ से। हाँ, बच्चों का ना ये मेरे पास काफी मैसेज आ रहा था कि हम एसएपी के कोर्स कर ले तो उसका हम क्या क्या, मतलब हम एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, मतलब क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद? बिल्कुल, हाँ, मैंने भी देखा है। एक्चुअली क्या है ना कि एसएपी अभी एक तरह से मैं कहूँ तो एकदम न्यूली फील्ड है, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन डोंट नो अबाउट द एसएपी। ठीक है, वो करना तो चाहते हैं लेकिन वो ये समझ में आता कि मैं अगर मैं एसएपी कोर्स कर भी लूंगा तो किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और या फिर किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है, तो ये चीज जो है उनके लिए बहुत ही थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग में गाइड की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के माइंड में ये एक होता है क्या कि अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ क्लोज कोर्स अगर, तो मैं किस तरह के जॉब या कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ ना? यही है लोगों के, मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि देखिये, अगर हम एसएपी की बात करते हैं तो एसएपी में मेन जो फील्ड्स होते हैं, जॉब प्रोफाइल होते हैं, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम बिगनिंग स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है, अगर हमें उसकी बात करूं तो एंड यूजर, एंड उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो एसोसिएट कंसल्टेंट, एंड द मेन इज द कंसल्टेंट। तो ये थ्री तरह के जॉब्स होते हैं जो कि एसएपी से रिलेटेड होते हैं, और जितनी भी नौकरीज या जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज और होती हैं, वो सारे के सारे इन्हीं तीन प्रोफाइल से रिलेटेड होती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। फर्स्टली मैंने आपको, चलिए मैं ऊपर से चलता हूँ नीचे, कंसल्टेंट लेवल, देन एसोसिएट कंसल्टेंट, एंड आफ्टर दैट एंड यूजर। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कंसल्टेंट कौन होता है। अगर मैं कंसल्टेंट की बात करूँ तो कंसल्टेंट हैव अ दोज पर्सन हु हैव अ मोर देन अ 2 and 3 year ऑफ एक्सपीरियंस। एटलीस्ट उन्होंने अगर कोई वन इम्प्लीमेंटेशन किया है, नहीं अगर इम्प्लीमेंटेशन कर सके हैं तो कोई बात नहीं, फुल एंड फुल तो बहुत ही एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले, अगर हमें मिलता तो बहुत अच्छी चीज है। तो कंसल्टेंट लेवल वो होते हैं एटलीस्ट जिनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, जिनको एक अच्छा नॉलेज होता है, और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, कम से कम 2 से 3 साल उसके ऊपर तो जितना भी। और अगर मैं ये कहूँ कि उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट का नॉलेज होता है अच्छा खासा, वो क्या करते हैं कि कंपनी में एक बहुत ही अच्छा रोल, मतलब रोल निभाते हैं एक, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी में उनका एक प्ले रोल होता है। जैसे क्या होता है कि कंपनी में एक अच्छे अच्छे से डिसीजन उनके हाथ में होता है, क्योंकि कभी भी क्या होता है ना कि सपोज डैट अगर कोई कंपनी है, अगर उसे कोई प्रोजेक्ट मिला है कि उस कंपनी में जाकर के उसका एसएपी इंप्लीमेंट करना, तो इसमें क्या होता है कि कंसल्टेंट का रोल होता है। कंसल्टेंट सबसे पहला काम क्या करेगा कि वो वहां पे जाएगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, ठीक है, अभी वो कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं या कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा ईआरपी यूज कर रहे हैं, एज इज जिसे बोलते हैं, उसे हम एज इज तरह क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद कंसल्टेंट से मिलकर के, मतलब गेट टुगेदर करना पड़ता है। कंसल्टेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिना कंसल्टेंट के कोई भी काम नहीं कर सकता, और बहुत ही थोड़ा सा मतलब रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होगा क्योंकि कंपनी आपको बिलीव कर रही है, और बिलीव करने के बाद आपको भेज रही है क्लाइंट लोकेशन पे कि आप क्लाइंट लोकेशन पे जाइए और यूजर से मिलिए, वहां के मैनेजमेंट से मिलिए, और पता करिए कि उनका बिजनेस कैसे रन होता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बिजनेस रन होगा उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, एसएपी पे सेटअप करना होगा। यानी हमें उनके बिजनेस को समझना होगा, और उनके समझने के बाद उनका जो बिजनेस प्रोसेस है ठीक उसी तरीके से हमें एसएपी में इंप्लीमेंट करना होगा। तो जो कंसल्टेंट का रोल होता है, अब आ जाती है बात कि कंसल्टेंट में और क्या देख, कंसल्टेंट का जो रोल होता है वो सबसे बेस्ट रोल होता है अगर मैं कहूँ तो एसएपी में, अगर सबसे हाईगर रोल होता है वो, अलग बात है कि उसके ऊपर सीनियर कंसल्टेंट
प्लेटिनम कंसल्टेंट, वो एक अलग चीज होता है, वो तो जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा वो लेवल बढ़ेगा, बट एन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव अ थ्री काइंड्स ऑफ अ जॉब अपॉर्चुनिटी लाइक कंसल्टेंट रोल, एसोसिएट कंसल्टेंट एंड एंड यूजर। तो जो कंसल्टेंट होते हैं वो सबसे मैंने बताया ये आपको काफी नॉलेज होता है उनको सारे के सारे एसएपी का वो होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छी चीज ये है कि कंसल्टेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि ऑनशोर। अब कंसल्टेंट को फ्री ऑफ पैकेज कह लो या फिर कंपनी की तरफ से कह लो या क्लाइंट की तरफ से कह लो, उनको टूर्स भी मिलते हैं। अब सपोज डेट क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो दुबई का, दुबई में क्या है कि एक प्रोजेक्ट मिला मेरी कंपनी को, अब वो मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला तो मेरी कंपनी क्या करेगी, कुछ कंसल्टेंट को वहां भेजेगी कि जाइए आप दुबई, ठीक है, वहां पे जाकर के वहां रहिए कुछ दिनों तक, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करिए या वहां का बिजनेस समझिए। तो कंसल्टेंट को ये भी एक ऑप्शन मिलता है कि वो दुबई जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कहीं भी जा सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। और जिस समय आप जाते हो ना, उस समय क्लाइंट के तरफ से भी एक आपका एक बहुत ही अच्छा इमेज होता है, वो आपके आगे पीछे लगे रहेंगे, एक अच्छा ट्रीट होता है, एक 3-5 स्टार होटल होता है, उस होटल में आप रुकोगे, मतलब आप ये कह लो सारी की सारी अच्छी सर्विसेज आपको, अच्छी और बेस्ट सर्विसेज आपको मिलती है। तो कंसल्टेंट का जो रोल होता है, ठीक है, वो काफी अच्छा होता है, सबसे बेस्ट रोल होता है। अब आ जाती है बात, एक बात यहाँ पे आती है कि कंसल्टेंट हम बने कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कंसल्टेंट वो होता है जिसको मिनिमम 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनकी लाइफ सेटल्ड होती है अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। और अब आती है सैलरी पैकेज की बात, अगर मैं करूँ तो देखिए, अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो ये मिनिमम जो कंसल्टेंट होता है वो ज्यादा तो नहीं 80,000 पर मंथ से करके, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनको सिर्फ ओनली सिर्फ 3-3.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और जो आज के समय में अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे। और ऐसे भी हैं, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी जो है 30 लाख पर एनम की सैलरी है। इवन मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनकी 70 लाख पर एनम की भी हुआ, वो भी कंसल्टेंट ही है। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट लेवल हो गया, ये तो हो गया आपका कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट हमारा जो फोकस होता है, जो हम अपने चीज और बताना चाहूँ, जो हमारा टीचिंग जो लेवल है या फिर जो हम जिसकी तैयारी करवाते हैं वो हम कंसल्टेंट लेवल का करवाते हैं। ये तो हो गया कंसल्टेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम एसोसिएट कंसल्टेंट। एसोसिएट कंसल्टेंट कौन होता है, जैसे कि हमने नाम से पता चल रहा है दिस इज द एसोसिएट, और वी कैन से दिस इज अ फ्रेशर गाइस, दे डोंट हैव अ मोर देन मोर एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव अ एक्सपोजर टू नॉलेज ऑफ दिस। सो वो होते हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए होते हैं, अप्रॉक्स आप समझ लो कि ये कोई भी हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रेशर से लेकर के 6 मंथ हो सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा जूनियर और एक होता है हेल्पर, इंजीनियर और इंजीनियर में ही होता है एक हेल्पर। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी बंदा अगर बीटेक भी करता है या फिर कोई अदर कोर्स भी करता है तो पहले उसे क्या करना होता है, एक सीनियर इंजीनियर के नीचे या फिर इंजीनियर के अंडर में हमें काम करना होता है, हम काम को सीखते हैं। और हार्डली मुश्किल से 1 ईयर 2 ईयर जाते जाते क्या होता है कि हम भी क्या होता है कि हम भी इंजीनियर लग जाते हैं या फिर हमारे नाम के आगे सीनियर इंजीनियर बन जाता है। तो ठीक, अगर हम सेम वही कहें एसोसिएट कंसल्टेंट कौन होता है, सेम वही होता है जो स्टार्टिंग में अभी उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है, अभी नए हैं, अभी वो कंसल्टेंट के नीचे, वो अभी उनके साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बहुत अच्छी खासी हैं, इनको भी बाहर जाने का मौका मिलता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट के मामले में अगर किसी को बाहर भेजती है तो कंसल्टेंट तो भेजेगी साथ में कोई ना कोई एक एसोसिएट कंसल्टेंट भी भेजती है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बाहर जाने के भी मिलते हैं। सैलरी तो बाहर अगर कंपनी कोई भेजती है तो सैलरी तो मिलता ही मिलता है, पर पार्ट ऑफ द सैलरी पर डीएम भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वो आपका एक्स्ट्रा इनकम होता है उस कंट्री के हिसाब से, मे बी आप लोगों को तो ये पता ही होगा। तो अभी क्या होता है, अगर उनकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो एक एसोसिएट जो कंसल्टेंट होता है उनकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है अप्रॉक्स 20-25,000 से लेकर के, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेशर है, वहां से लेकर के अप्रॉक्स 40,000-50,000 ऐसे होता है। तो ये होते हैं एसोसिएट कंसल्टेंट। अब जो लास्ट होता है वो होता है एंड यूजर। एंड यूजर कौन होता है, अगर मैं एंड यूजर की बात करूं तो एंड यूजर वो होते हैं, दोज आर हैंडलिंग डे टू डे एक्टिविटीज। उनको सिर्फ उनका उनको दिमाग नहीं लगाना, उनको कुछ नहीं करना,
बस उनको डे टू डे एक्टिविटीज करनी है। यानी क्या हुआ कि हमारे ऊपर के जितने भी थे कंसल्टेंट एंड एसोसिएट कंसल्टेंट, उन्होंने क्या किया कि एसएपी को इम्प्लीमेंट करके दे दिया। अब एंड यूजर का काम है कि वो डे टू डे एक्टिविटी पे काम करे। जैसे सपोज है कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर उसको वेंडर पोस्टिंग करनी है, यानी वेंडर से रिलेटेड कोई भी इनवाइस हमें पोस्टिंग करनी है, वो बंदा क्या करेगा, सब कुछ उसको फिट है, सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ पड़ा है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट के बाद क्या होगा कि बस वो बंदे को क्या करना है, डे टू डे डेली का बस केवल उसको इंट्री पोस्ट करना है, एफबी सिस्टम पे गए इंट्री पोस्ट, यानी आप ये समझ लो जनरल इंट्री पोस्ट करना है, मतलब डेली एक ही एक्टिविटी करना है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब चैलेंजेस नहीं है, किसी भी तरह का कोई न्यू नहीं है। इसलिए क्या होता है कि एंड यूजर थोड़ा सा बोरिंग काम भी होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो भी काम आप करोगे रेगुलर करोगे, एक ही काम करना है आपको, थोड़ा सा एक समय के बाद आफ्टर वन मंथ सिक्स मंथ क्या वो बोरिंग लगने लगता है। और जहां पे एक ही काम होगा, ठीक है, जहां पर एक ही काम आपको रेगुलर करना है, रेगुलर वे में एक ही काम करना है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका सैलरी पैकेज भी कम होगा, क्योंकि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस एक ही पैलर में हम चले जा रहे हैं। तो सबसे तो एंड यूजर जो ये होता है वो ये होता है कि वो एक्टिविटी होती है जो सबसे लोएस्ट की होती है। और यहाँ पे हमें कंसल्टेंट की उसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कौन से बंदे जॉब करते हैं, जो बीकॉम होते हैं, एमबी होते हैं, जिनको एसएपी में बिल्कुल फ्रेशर है, वो जाते हैं, मतलब उनको आराम से जॉब भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती है, जॉब भी मिल जाता है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो करियर एक तरह से स्टक हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो क्या होता है, एक नया बंदा, एक फ्रेशर जो होता है, वह 20,000 से लेकर के 20-25,000 से स्टार्ट करता है, और हार्डली जो है पूरी उम्र कम मतलब पूरी एज खत्म हो जाती है, हार्डली भी 50,000 तक ही पहुंचता है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग टू यू टू गो विद द एंड यूजर। और हम जो भी यहाँ पे अभी आपको पढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, हम आपको कंसल्टेंट लेवल की तैयारी करवाते हैं। तो ये तीन प्रोफाइल्स में जो मैंने आप लोगों को बताया, पहला प्रोफाइल्स जो अगर मैं अपर से चलूं तो कंसल्टेंट लेवल जो सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल होता है, आफ्टर प्रोफाइल पर पैकेज भी बहुत अच्छा होता है, लाइफ सिक्योर होती है, एसोसिएट कंसल्टेंट वो होते हैं। सेकंड वन इज एसोसिएट कंसल्टेंट होते हैं जो अभी फ्रेशली अभी अपना ज्वाइन किए होते हैं, वो किसी कंसल्टेंट के अंडर में ट्रेनिंग लेते हैं या सीखते हैं, इनकी भी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है। आज वो फ्रेशर से ज्वाइन करते हैं, आफ्टर वन ईयर और टू ईयर दे कैन स्विच इन द कंसल्टेंट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो सैलरी का वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक एसोसिएट कंसल्टेंट जो है वो अपनी सैलरी जो है मिनिमम जो है 30 से लेकर 35 40,000 से स्टार्ट होती है, और वो 80,000 या 80,000 1 लाख तक भी जाती है, ठीक है। और एंड यूजर जैसा कि मैंने बताया कि डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये तीन तरह की प्रोफाइल होती है रोहन, जो आपने पूछा था। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है, तो हमारी तीन तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन सा, कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट एंड एंड यूजर। अब आ जाती है बात, अच्छा रोहन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा, बच्चों का एक ये होता है कि सर हम जो पढ़ेंगे वो कौन से लेवल की तैयारी करें, एंड यूजर करेंगे या फिर एसोसिएट लेवल या कंसल्टेंट। तो देखो जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं, जो भी बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं वो कंसल्टेंट लेवल की करवाते हैं, यानी अपर लेवल की तैयारी करवाते हैं। एक जो कंसल्टेंट लेवल की तैयारी करेगा वो सब कुछ करेगा, उसको सब कुछ नॉलेज होगा ए टू जेड, चाहे वो एसोसिएट कंसल्टेंट लेवल का वर्क हो या फिर एंड यूजर का वर्क। तो ये सब चीज हम जो तैयारी करवाएंगे वो अपर लेवल कंसल्टेंट लेवल की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और कोई डाउट सर? एक और डाउट है स्टूडेंट्स का कि सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कि हम कोर्स करेंगे तो हमें सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो सबसे पहले मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि जी हाँ, हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होगा वो भी हम आपको तैयार करेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सर्टिफिकेट देखिए दो तरह से होते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है जो ग्लोबली सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पे होता है, जैसे कि आपका सीए का जो एग्जाम होता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक उसी तरीके से एसएपी का होता है, ठीक है। और एसएपी का जो सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है, मैं भी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट है, लोगों के माइंड में होता है। तो ग्लोबल जो सर्टिफिकेट होता है वो कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी नहीं दे सकता, वो सर्टिफिकेट आपको सीधे एसएपी कंपनी एसएपी ग्लोबल से ही आपको मिलेगा। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो ऑल ओवर कंट्री के लिए वैलिड होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आपके लिए वो वैलिड होगा। उसमें क्या होता है कि आप उसका कॉस्ट भी अच्छे खासे आते हैं, अभी तो कॉस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मैं टैक्स के साथ अगर मैं ऐड करके बताऊं तो अराउंड 54,000 का
आपको एक सर्टिफिकेशन का आपको एक तरह से कह लो एग्जाम टाइम मिलेगा, जिसमें 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, यानी 54,000 या 55,000 का वो कॉस्ट होगा, जिसमें 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हो। इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर, इस 1 ईयर में 6 अटेम्प्ट दे सकते हो और इसमें 6 बार आप किसी चीज की तैयारी करके आप इसमें कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बंदा जो चाहता है कि नहीं, एक ऑप्शन और है, ठीक है, जिसमें अराउंड वही लगभग 17,000 to 18,000 है, जिसमें आपको सिर्फ वन अटेम्प्ट मिलेगा, यानी 18,000 या 20,000 के अप्रॉक्स, उसको आप पे करके 1,000 मतलब वन टाइम का आपको अटेम्प्ट मिलेगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, उस 80 क्वेश्चंस को आपको क्लियर करना होगा। और अगर आप ये कर लेते हो तो आप ग्लोबली सर्टिफाइड हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो हम, मैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकता, ये SAP ही देगी, और SAP का एक निकालने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अनदर इज आ जाती है कि दूसरा सर्टिफिकेट, अगर फिर भी, लेकिन आप तो हमारे यहाँ से तो कोर्स कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए, तो हमारे जो सर्टिफिकेट होगा वो भी एफिलिएटेड सर्टिफिकेट है, जो कि हम अपने इंस्टीट्यूट से देंगे। और मेरा तो मानना ये भी है कि अगर कोई बंदा फ्रेशर, ठीक है, अगर कोई बंदा फ्रेशर है या फिर अगर कोई करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या हुआ कि अभी ग्लोबल सर्टिफिकेट के चक्कर में ना पड़े, इसलिए ना पड़े क्योंकि ग्लोबल सर्टिफिकेट तो जरूरी है, नो डाउट, लेकिन क्या होता है कि अभी आप कैरियर स्टार्ट करो, अभी स्टार्टिंग में इतना पैसा लगा करके 54,000 या इतना लगा करके आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले आप नॉलेज लो। मेरा कहना यह है कि अगर आपको ग्लोबल सर्टिफिकेट ले भी लेते हो, लेकिन आप इंटरव्यू में बैठे और आपसे इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा, या इंटरव्यू अगर क्रैक हो भी जाता है तो आप काम नहीं कर पाए, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, और इंटरव्यूअर भी समझ जाता है कि किस बंदे ने कैसे ग्लोबल सर्टिफिकेट लिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी है उसको नॉलेज चाहिए, ना कि सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट नहीं देते, उनको नॉलेज चाहिए। नॉलेज इतना प्रिपेयर करो कि हाँ, फर्स्ट इंटरव्यू नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ में तो होगा क्रैक, सिक्स में तो क्रैक होगा, कभी ना कभी तो होगा, लेकिन लगे रहिए जरूर। तो सर्टिफिकेट हम देंगे अपने तरफ से, मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। और कोई रोहन? स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, एंड आई थिंक अभी तो फिलहाल कोई और क्वेश्चन नहीं है, फिर जब और भी क्वेश्चन आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन या टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ओके, नो इशू, मैं हमेशा हूँ आपके लिए तैयार, ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े आप मेरे से कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है रोहन, तो फिर भी क्या करें, माइंड अप करें। यस सर, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।